नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2022 कई खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि जो खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं हो सकता है उन्हें टीम इंडिया में मौका मिले। उन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है कुलदीप यादव। जी हाँ, कुलदीप यादव बड़े गेंदबाज हैं। आप सबको पता है दिल्ली कैपिटल का इस बार हिस्सा है, और जिस तरीके का प्रदर्शन कुलदीप यादव कर रहे हैं वो कमाल का है। और कुलदीप यादव को लेकर अब रिकी पोंटिंग ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और रिकी पोंटिंग ने बयान के साथ साथ केकेआर पर तंज कसा है, केकेआर को समझाया कि कहां केकेआर गलती कर गया। दरअसल रिकी पोंटिंग ने कहा है कि कुलदीप यादव एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके साथ आपको धैर्य रखना पड़ता है, जिसको लगातार मौके देने पड़ते हैं, और फिर उम्मीद रखिए कि कुलदीप यादव आपको बेहतर प्रदर्शन करके दे सकते हैं। रिकी पोंटिंग ने कहा कि कुलदीप यादव पहले केकेआर में थे, लेकिन वहां पर उन्हें पर्याप्त मौके नहीं दिए गए। वहां पर उन्हें जिस तरीके से लगातार मौके दिए जाने चाहिए थे उस तरीके के मौके नहीं मिले। रिकी पोंटिंग ने कहा कि जाहिर तौर पर चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि केकेआर में शायद बेहतर गेंदबाज कुलदीप यादव से होंगे, इसलिए केकेआर ने उनको मौका नहीं दिया होगा। लेकिन दिल्ली कैपिटल में आने के बाद कुलदीप यादव को जिस तरीके से मौके मिल रहे हैं, रिकी पोंटिंग ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कुलदीप यादव लगातार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आज कुलदीप यादव बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर कुलदीप यादव किसी मैच में नहीं चले, हम उनके साथ तब भी इसी तरह का बेहतर व्यवहार रखेंगे जिस तरीके का अब उनके साथ है। उन्होंने कहा है कि कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी को मोटिवेशन की जरूरत है, उनके साथ सपोर्ट की जरूरत है। आप लगातार उन्हें बैक करिए, उनको लगातार मौके दीजिए, यह गेंदबाज बेहतर करके दिखाएगा। वैसे जाहिर तौर पर किसी न किसी तरीके से रिकी पोंटिंग का यह बयान ठीक भी है, क्योंकि जिस तरीके से कुलदीप यादव को नजरअंदाज किया गया, बेंच पर बैठाकर रखा गया, यह इतना बड़ा गेंदबाज बेंच पर बैठने लायक नहीं था। यह मैच विनर गेंदबाज है, अपने दम पर, अपनी गेंदबाजी के दम पर मैच जिताने की ताकत रखता है। कहीं ना कहीं केकेआर ने कुलदीप यादव के साथ गलत किया। आप अब आंकड़े उठाकर देखिए, शुरुआत के मैचेस में कुलदीप यादव लगातार विकेट चटका रहे हैं। अभी तो आईपीएल की शुरुआत है, जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ेगा कुलदीप यादव अपने जौहर को, अपनी गेंदबाजी को और ज़्यादा दिखाएंगे, अपने काबिलियत को और ज़्यादा दिखाकर दिल्ली को मैच जिताएंगे। तो आपका कुलदीप यादव की गेंदबाजी पर, केकेआर ने जिस तरीके से उनको नहीं खिलाया इस फैसले पर, और जिस तरीके से अब रिकी पोंटिंग ने उनकी काबिलियत को समझते हुए कहा है कि हमें पता था जब हम मेगा ऑप्शन में थे तब भी हमें पता था कि कुलदीप यादव एक बेहतर गेंदबाज है, हमने पहले से ही प्लान कुलदीप यादव के लिए बनाया हुआ था। तो इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।